जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी और स्पर्श कैसे बनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गले की घंटी, इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्या है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गले की घंटी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब एक एक तो रक्षा मंत्री हैं, तो इनका आना जाना सेना की यूनिटों उनके हेडक्वार्टर में रहता है। ये जाने से पहले ये निश्चित होता है कि रक्षा मंत्री आ रहे हैं तो क्या सैनिकों के पॉइंट रहेंगे, क्योंकि वो सैनिकों को संबोधित भी करते हैं और उनके कई पॉइंट भी रहते हैं। तो सैनिकों से जब मिलेंगे तो सैनिकों के क्या सुझाव होंगे, क्या पॉइंट होंगे, ये ऑफिसर पहले ही तय करते हैं कि क्या आप लोगों के जवाब हैं, क्या आपके सजेशन हैं, रक्षा मंत्री से क्या कहना चाहेंगे। तो जो भी रक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं तो वो पहले से पॉइंट दे देते हैं। तो उसमें अगर किसी तरह का स्पर्श से संबंधित कोई सवाल होता है सैनिकों के, या ओआरओपी से संबंधित कोई सवाल होता है, तो उस सवाल को उस सम्मेलन में नहीं उठाने के लिए कहा जाता है। यानी कि अब रक्षा मंत्री जब जाते हैं तो ये उनसे वो क्लियर करते हैं कि क्या पॉइंट है सैनिकों के। तो ये बड़ी खबर है और इसकी पुष्टि भी आपको की हुई है एक जनरल साहब ने। तो बता दें कि अब रक्षा मंत्री की गले की घंटी बन चुकी है वन रैंक वन पेंशन, जिसमें कि एक सेना के ही जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जून 16 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किए बिना 3 महीने बीत चुके हैं। तकनीकी रूप से अदालत की अवमानना का केस का दरवाजा खुलता है, यानी कि कोर्ट की अवमानना का केस बनता है। 30 मई 2022 को एमओडी में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक पेंशन टेबल तैयार करने के लिए आग्रह किया गया था, निवेदन किया गया था। 3 महीने सुप्रीम कोर्ट के होने के बाद भी 3 महीने होने वाले हैं, यानी कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है अभी तक, उसके भी 3 महीने हो चुके हैं। यानी कि अगर वो एक्सटेंशन दे भी देते तो 3 महीने होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कोई अन्य कार्रवाई अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। पेंशन भोगियों का अभी तक इंतजार जारी है। पेंशन तालिका का मसौदा तैयार करने में इन्होंने ये भी कहा कि वर्षों का समय नहीं लगता है। आजकल कंप्यूटर युग का जमाना है, कंप्यूटर में इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी समय मांग रहे हैं। यानी कि रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्ट्री फिर भी समय मांग रहा है। तो इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये है लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने सवाल खड़ा किया है। इन्होंने कहा है कि ओआरओपी पर और स्पर्श पर बेल यानी कि डिफेंस मिनिस्टर के गले की घंटी बन चुका है। अभी इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कई जवाबों को देना पड़ सकता है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई ऐसा पुख्ता जवाब नहीं दिया है जिस पर इस पर कोई बात कही जा सके। एक और इन्होंने एक सवाल उठाया है कि साइबर अटैक हो सकता है स्पर्श पेंशन पर। साइबर अटैक से बचने के लिए पेंशनर्स को क्या करना चाहिए, कैसे उसको सिक्योर करें, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आपकी पेंशन कैसे सिक्योर रहे, आपके पेंशन स्पर्श पेंशन पर कोई साइबर अटैक ना हो, उसके लिए डिटेल वीडियो देखने के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन के थ्रू भी देख सकते हैं कि अपने स्पर्श अकाउंट को पेंशन को कैसे सिक्योर करें। तो ये था वीडियो जो रक्षा मंत्री पर गले की घंटी बनती जा रही है, ओआरओपी और स्पर्श पेंशन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।